हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम नासिर है और आप देख रहे हैं एबीटेक ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को ब्रांड न्यू कंडीशन में रख सकते हैं सालों तक और उस पर एक भी स्क्रैच नहीं आएगा। तो इस ट्रिक को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी एक नया स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो उसके साथ एक केस ज़रूर से लेते हैं ताकि फ़ोन जब गिरे तो उस पर स्क्रैच ना आए, डेंट ना आए और फ़ोन स्क्रैच फ्री बना रहे। पर क्या होता है कि केस लगाने के बाद उल्टा ही हो जाता है और ज़्यादा फ़ोन पे स्क्रैच आ जाती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 5-6 महीने के बाद जब आप केस से फ़ोन को निकालते हैं तो केस में साइड में आपको काफ़ी सारे डस्ट इकट्ठा मिलते हैं जो कि फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। जैसे कि ये फ़ोन है और जब से इसको परचेस किया है ये कवर में ही यूज़ हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं कवर में रखने का क्या नतीजा मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें डॉट के निशान आ गए हैं जो कि निकलने वाले नहीं हैं, जबकि ये मेटल बॉडी के साथ आता है फिर भी इसमें इतने सारे स्क्रैच आ गए हैं सिर्फ कवर लगाने की वजह से। अगर आपका फ़ोन प्लास्टिक बॉडी का है तो उसमें तो और भी ज़्यादा स्क्रैच आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कवर में आपको साइड में काफ़ी सारे डस्ट दिख रहे हैं, तो अगर आप कवर लगाते हैं तो उसको थोड़े थोड़े दिन पर साफ़ करते रहिए फिर भी आपके फ़ोन पर स्क्रैच आ ही जाएंगे। तो इसका एक आसान सा सोल्यूशन है, वो है लेमिनेशन। आप जब भी कोई नया स्मार्टफोन परचेस करें तो उसमें लेमिनेशन करा लें, उसके बाद चाहे तो आप केस में रखें या फिर ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब जितना भी स्क्रैच आएगा वो लेमिनेशन पेपर पर आएगा, आपके फ़ोन पर नहीं आएगा। जैसे ये मेरा फ़ोन LG का लगभग 1.5 साल पुराना फ़ोन है और उस पर काफ़ी सारे स्क्रैच आपको दिखते होंगे, बट ये फ़ोन पर नहीं है बल्कि ये लेमिनेशन पेपर पर है। तो मैं इसको निकाल कर दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको कंडीशन मिलती है, मतलब 1.5 साल के बाद भी एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में आपका फ़ोन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं iPhone 12 में मैट फिनिश वाला लेमिनेशन है जबकि LG V40 में ग्लॉसी फिनिश वाला है। तो मैट फिनिश में एक एडवांटेज मिल जाती है कि इसमें स्क्रैच विजिबल नहीं हो रहे हैं और ग्लॉसी फिनिश में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्क्रैच हैं, बट ये मेरे फ़ोन पर नहीं है बल्कि लेमिनेशन पेपर पे है। तो इसको निकालते हैं और निकाल कर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपका फ़ोन सालों बाद भी ब्रांड न्यू कंडीशन का रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी स्क्रैच नहीं है, तो फिंगरप्रिंट मैग्नेट है और यहाँ पर देख सकते हैं एकदम बिल्कुल नई कंडीशन का फ़ोन लग रहा है। तो इस तरह से आप भी जब भी कोई नया स्मार्टफोन परचेस करें तो सबसे पहले लेमिनेशन करा लें, उसके बाद चाहे तो केस में रखें या फिर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपका फ़ोन बिल्कुल नया बना रहेगा और जब रीसेल करने जाएंगे तो आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी। इसके कॉस्ट की बात करें तो काफ़ी चीप है, 30 रुपये से लेकर 50 रुपये में आराम से आपके फ़ोन पे लग जाएगा। तो जैसा कि मैंने एक मैट फिनिश कराया है और यहाँ पर एक ग्लॉसी फिनिश है, तो दोनों ही फिनिश में आता है, जो आपको पसंद है वो करा सकते हैं। मैट फिनिश का थोड़ा ज़्यादा चार्ज है 50 रुपये और ग्लॉसी फिनिश वाले का आपको 30 रुपये में ही लग जाएगा। रिसेंटली मैंने LG G8X की वीडियो डाली थी तो उस पर भी मैंने मैट फिनिश वाला लेमिनेशन कराया था, तो काफ़ी भाइयों के कमेंट आए थे कि आपने कहाँ से कराया है, तो मैंने लोकल मोबाइल शॉप से ही कराया था। और आप जिस भी सिटी में रहते हैं जहाँ पर केस की दुकान रहती है वहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा लेमिनेशन, तो वहाँ से आप करा सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फ्लिपकार्ट पे स्किन भी मिलती है, तो वो थोड़ा सा महंगी रहती है, तो वो भी आप लगा सकते हैं और उसको लगाने के बाद भी आप कवर लगा सकते हैं अगर आपको फ़ोन ज़्यादा गिरता पड़ता है तो। बाकी अदरवाइज़ ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं तो आपके फ़ोन पर कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा। तो बस आज की वीडियो में यही बताना था आप लोगों को कि किस तरह से आप अपने फ़ोन को स्क्रैच से बचा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।